पहले मैं मेरे फादर स्वर्ग दारा सिंह जी 1967 तो लैके 1997 तक बीजेपी के MLA रहे, और मेरा आना बीजेपी 1997 के बाद जो मेरे फादर बीमार हो गए और मैनू ऑल इंडिया यूथ का एग्जैक्टिव मैंबर पाया गया, और उस तो बाद मैं एक्टिव पॉलिटिक्स आ गया और मेरे फादर के गैर हाजिरी में अपने इलाके में लोगों विचरना शुरू किया, और उस दौरान ही मेरा प्यार हो गया और पार्टी ने मैनू अपने हल्के का मेरे फादर की सीट पर मैं सीट दे के मैं नवाजा, और मेरे इलाके के लोगों ने जो मेरे पिता जी ने काम किए थे मेरे इलाके के विकास से उस विकास को देखते हुए लोगों ने कांग्रेस की वेव होने के बावजूद पूरे हिंदुस्तान 3 सीटा जीतिया बीजेपी जितों मैं सबसे बड़ी लीड जीतिया सी, और उस सिर्फ मैं समझता कि पार्टी ने टिकट दी पर मेरे पिता जी जो साफ छवि के ईमानदार इंसान से इलाके काम किया लोगों ने उन्होंने वेख के मैं पहली बार वोट पाई। मैं समझता कि कांग्रेस और आप पार्टी वो मुद्दा कोई है नहीं, क्योंकि साड़ी पार्टी ने इन्ना सारा विकास करता कि उन्होंने अभी लगता कि साढ़ा इस विकास से कोई साढ़ा कोई पैंतरा चलना नहीं, इस करके उन्होंने ये चीज़ चला के कि लोग खराब हो जाएंगे, उन्होंने नशे के मुद्दे से गल चक के शुरू किया, पर ये मैं दसना चाहना कि अज तक ये नशे की गल करते हैं पर जिन्ना नशा आया और साड़ी सरकार ने भी उपलब्धियाँ उस नशे को फड़न वास्ते किन्ना नशा साड़ी सरकार ने फड़िया और उस दे दौरान किन्ने परचे होए, और उस तो बावजूद वो आंकड़े ये लोगों दसते नहीं कि जो नशा असी फड़िया साड़ी सरकार ने उस पार्टी सरकार स्वागत योग है, क्योंकि यह यत्न बहुत स्वागत योग है, क्योंकि अगर नशा ना फड़दे तो साड़ा यही नशा तस्करी राही होकर पूरे हिंदुस्तान जाना सी और हिंदुस्तान के बाद अगले देशों जाना सी, क्योंकि रूट चैनल साड़ा पंजाब है, इस करके साड़ी सरकार ने साड़ी पंजाब पुलिस ने और BSF ने अपनी पूरी रात दिन मेहनत करके जिनी तस्करी हो रही थी उन्हें नस पाई है, और ये लोग उस युद्ध में चकते नहीं है, उल्टा पंजाब के लोगों और पंजाबियों को बदनाम करने वास्ते ये नशे का एक नाम देकर बदनाम किया, ये अपनी राजनीति और स्वार्थ वास्ते इन्होंने पंजाब को बदनाम किया, आने वाले इलेक्शन लोग इन्हों बख्शेंगे, लोगों को पता है कि जो मुद्दे चक रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, और इन्होंने पंजाब में पंजाबी बदनाम किया है नौजवानों को, यदा सिरा इन्होंने आने वाले इलेक्शन 2007 में मिल जाएगा। वो किस मुद्दे की गल करते हैं कि इंदिरा गांधी ने आगे टक लाया कि साड़ी हिक ते टक ला के साडे पंजाब का हक खो के ये देन लगे सके, और उस वेले किसी हालात के कारण वो रुक गया, और अज साड़ी सरकार ने उस मुद्दे चक्या कि असीं अपना हक नहीं देवांगे, तो ये लोग अज ये गल कर रहे हैं कि इन्ने साल जिहड़ी सरकार रही इन्होंने कदम क्यों नहीं चक्या जो अज साड़ी सरकार ने चक्या, ये भी वो जमीना लोगों नूं वापस कर सकते सके कैबिनेट पास करके, साड़ी सरकार ने किया इस करके साड़ी सरकार जी है लोगों के हक में है, और ये लोग तो खुद ही अपनी पानी इन्होंने खुद ही लिया के इंदिरा गांधी को इन्होंने टक लाया कि जगजीत बराड़ ने, और मैं समझता कि आम पार्टी जी गल करती कि जो पंजाब सुनता है वह कोई फैसले नहीं है, पंजाब सुनता तो गल करता है पानी जी जो पंजाब में मिलना चाहिए, पंजाब तो हरियाणे निकलता तो बोलता कि यह पानी हरियाणा का हक है, इस करके वह कोई स्टैंड नहीं है, इसलिए मैं समझता दोनों पार्टियां गुमराह कर रहे हैं, सिर्फ गुमराह कर दी राजनीति है, अभी किस न किस ढंग वोटा ले सकिए, क्योंकि मैं पता है कांग्रेस अभी खत्म हो चुकी है, जिहड़ा भी कांग्रेस का अज तुसी वड्डा बोर्ड देखते हो कितने लग्या तुसी ध्यान मार के तुसी अपने सूट कैप्चर करके लोगों को दिखा सकते हो कि कितने भी कांग्रेस सरकार नहीं दिखा, कैप्टन की सरकार पंजाब का कैप्टन, इन्हों सिर्फ कैप्टन के सहारे ये विसाखी सहारे चल रहे, क्योंकि पता है कि साड़ी जी कांग्रेस की बेड़ी है वो डुबन जा रही है, और तो कैप्टन को सवार किया इन्होंने, पर जो डुबदी बेड़ी होंगी वो सबू लै बैठती है, इस करके इस नेरी डुबदी बेड़ी के कैप्टन भी बचने वाला नहीं, जिन्हें मर्जी ना बदल लैन, क्योंकि खुद ही मान गए कि कांग्रेस सरकार नहीं है ये कैप्टन सरकार है, और कैप्टन को अलग पार्टी नहीं है उस सरकार का, तो कैप्टन सरकार क्यों,
कांग्रेस सरकार क्यों नहीं लिखते? हर बोर्ड से हिंदू पंजाब जिन्हें बोर्ड लगे है सब से इन्होंने कैप्टन सरकार लिखा और मतलब एक खुद मान गया कि कांग्रेस सरकार एग्जिस्ट नहीं करती पूरे हिंदुस्तान। मैं जो 2002 च इलेक्शन लड़ी थी उस वेले कांग्रेस सरकार सी, मैं अपने इलाके का विकास नहीं कर सकिया, पर जो मैं अपने इलाके गया और मैं लोगों में जाके विचर के देखा लोगों की मंगा सी, लोगों के इलाके से साढ़े इलाके बिल्कुल विकास नहीं सी, किसी पिंड में सड़क नहीं होंगी सी, गलियां नालियां तो बहुत दूर की गल है, और वो इलाज शहरों के सी जो शहर पौश इलाके से उन्होंने भी खड्डे पे सी, सीवर सिस्टम ओवरफ्लो सगा, पानी की सप्लाई नहीं सी, ट्यूबवैल सी और बंद सी, और मैं उदो याद है कांग्रेस सरकार टाइम 12 ट्यूबवैल से 9 ट्यूबवैल बंद सी, और मैनू सवाल लाना पिया, सवाल तो बाद सुनवाई नहीं हुई, मैनू अपने कपड़े पाड़ के भीख मंगने वास्ते पुल से मजबूरन तौर पर खड़ा होना पिया, जिस करके साढ़े ट्यूबवैल चालू किए गए, साड़ी सड़क रिपेयर होने शुरू हुई, क्योंकि मैं ऑपोजिशन सगा, मैं एज ए ऑपोजिशन अपना रोल अदा किया, सवाल लाया और सरकार के अगेंस्ट प्रदर्शन करके लोगों ने हक दवाया। इस बार जो मैं MLA बनया लोगों ने वादा किया, मैं खुशी है कि मैं उस एक ऐलान किया कि तुम 50 साल कांग्रेस ने जो काम नहीं किए असी 10 साल सानू दो, असी 50 साल के काम 10 साल करांगे, मैं खुशी है कि वो 10 साल मेरे पूरे हुए हैं, और 10 साल अज साडे शहर की कोई गली कच्ची नहीं, सीवर सिस्टम 100% पै गया, 100% वाटर सप्लाई है, 12 ट्यूबवैल से 32 ट्यूबवैल के करीब ट्यूबवैल हो गए, 5 ओवरहैड टैंकियां असी बनाई जिन सारे शहर का पानी सिस्टम सही हो गए, और मैं समझता कि जो सड़क पिंडों सी अज मेरा कोई पिंड नहीं है जो सड़क तो वांझा, और जोड़े पिंड मेरे बच्चे स्कूल पढ़ते सके उत्ते टीचर नहीं जाते, स्कूल अपग्रेड नहीं सी, मेरे मैक्सीम स्कूल जिन्हें मेरे बॉर्डर बैल्ट है 5वीं वाले 8वीं हो गए, 8वीं वाले 10वीं हो गए, 10वीं 12वीं हो गए, और मेरे बड़े बच्चे जो स्कूल बनने तो बाद 25% बच्चों की ग्रोथ एजुकेशन वही है जो गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन नहीं है, तो मैं समझता कि असी मुद्दा डिवेलपमेंट लैके चले सी, बंडाले वाला पुल जो कोटपुटन जोड़ता है मालवा माझे धरनी जोड़ता है वो 35 किलोमीटर का वह फायदा होएगा, और मैं अपनी सरकार से नींव पत्थर रखाया सी, और मैं खुशी है कि मैं अपनी सरकार में 102 करोड़ रुपये का पुल बनया, उन्होंने असी जनता के हवाले किया, साड़ी सरकार ने जो किया वो करके विखाया, और बाद साहब जो कहना राजनीति सेवा असी साबित किया, और असी अगले मुद्दे जो है वह भी साडा मुद्दा डिवेलपमेंट ही होगा। मैं समझना कि फिरोजपुर के हल्के का विकास इतने हो रहा है, सब तो बहुत वड्डी जी मुश्किल है कि इतने रुजगार नहीं है, क्योंकि साडे कोल इंडस्ट्री कोई नहीं, शैलर इंडस्ट्री सी वो किस हद तक बंद हो जा रही है, तो मेरी कोशिश होगी कि नौजवानों के रुजगार वास्ते मैं की कर सकता, और सैकेंडली साढ़े बच्चों चैलेंज बहुत है, स्पोर्ट्स में बहुत बच्चे अगे आना चाहते हैं, स्पोर्ट्स बहुत लोग करते हैं, पर उन्होंने सही कोचिंग सही गाइडेंस सही डाइट और सही उन्होंने किट्स नहीं मिलती, इस करके मेरी सोच है कि मैं अकैडमीज बना के जी गेम्स साड़ी इतने लोग पॉपुलर है वो गेम्स को अकैडमी लैके कोचिज प्रोवाइड करके वधिया सहूलत दे के अपने बच्चों असी नैशनल लैवल तक ओलंपिक्स तक लैके जाइए, असी यहोजी इतों ब्रीडिंग करिए अपने बच्चों की छोटे बच्चों को लैके असी अकैडमी बनाए ताकि साढ़े बच्चे स्पोर्ट्स के फील्ड अगर जा सकन, और स्पोर्ट्स कोटे जिसे नौकरियां मिलन उन्होंने रुजगार मिलेगा नौकरियां मिलनगियाँ तो बच्चों सेहत अच्छी रहेगी एक नशा मुक्त रहेगा जो अजय कहते नशा मुक्त है, मेरी कोशिश है कि जो सा धब्बा लग्या मेरे नौजवानों के नशे का मेरी कोशिश है कि आने वाले समय च मैं वो जो धब्बा है नशे का वो मैं नौजवानों को पिछे हटा सकता अभी साबित कर सके साडे पंजाब के नौजवान गभरू अज हिंदुस्तान च नहीं दुनिया भर च मशहूर हैं अपनी काबिलियत की अपनी कौम की असी अपने बच्चों अपनी सिक्खी के वापस लैके आईए जे अपने धर्म में लोग छड़ के दूजे धर्म जा रहे हैं उन्होंने असी गाइड करके अपने धर्म और परमात्मा जुड़न का जो काम है एक सही रस्ता उही है कि परमात्मा जुड़ के असी अपने समाज की सेवा कर सकी, इसलिए मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जी समाज सेवा MLA तो मैं है ही है पर ना समाज सेवा का काम जोड़ा है वो एक MLA वास्ते बहुत जरूरी है क्योंकि साड़ी ये दुकानदारी है अभी पब्लिक दे सर्वेंट हैं और जिते असी पब्लिक सर्वेंट हैं उत्थे समाज दे भी असी समाज रहने हैं ये दोनों काम मैं समझना कि MLA नूं एक समाज सेवी भी है और MLA बन के काम करना चाहिए।
बिल्कुल सही गल है, मैनू किसी कह तो नहीं, क्योंकि मैं कोई स्टेजा ला के नहीं नचदा। अगर मेरे किसी परिवार के घर खुशी है, वो घर विआह है, वो मेरे परिवार है। रविंदर सिंह पिंकी अपने MLA समझदा, सुखपाल सिंह मैनू ने अज तक कभी अपने MLA नहीं समझा। मैं अपने हल्के अपना परिवार समझा और मेरे इस परिवार ने, क्योंकि एडा वड़ा परिवार है मेरा, कि मेरा 19 बारी एक्सीडेंट होया 15 साल और मेरी 19 गड्डियां टोटल लॉस हुई हैं। रब दे करो मैं 19 बारी वापस अपने परिवारों की खातर आया जिन्होंने मेरी दुआवां कीतियां सी। और मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा मैनू कोई कुछ कहे, क्योंकि मैं कोई ऑर्केस्ट्रा स्टेज लगा के वक्री मैं अपनी DJ ला के नचदा। मैं अपने परिवारों के विआहों पर या मेरे कॉलेज स्कूल जो फंक्शन होंगे है, मेरे बच्चे जो स्कूल के मेरे शहर के बच्चे है, मेरे परिवार के मैंबर है, वो मैं खुद खिंच के उपर लैके जाते हैं। जो वो अपनी खुशी के मैं शामिल करना चाहते हैं तो मैं क्यों ना शामिल हुआ, क्योंकि मेरे परिवार है, इसके मैं परिवार शामिल होकर मैं नचना। इसके मैं कोई फर्क नहीं कि मैं कोई ना दे, मैं उन्होंने वास्ते नहीं, मैं अपने शहर के हल्के लोगों वास्ते हैं और उन्होंने दिलों अज मैं वसदा। इस करके वसदा क्योंकि मैं उन्होंने परिवारों में जाके नचना और उन्होंने दुख सुख का साथी हूं और उन्होंने हर दुख सुख मैं शरीक होना। मैं बिल्कुल शक चाहे, मैं हर बार 15 साल तो ही अपील करना लोगों कि तुसी अपनी वोट की ताकत को समझो। थोड़ी वोट ने फैसला करना थोड़ी जिंदगी का, थोड़े बच्चों की जिंदगी का, पंजाब का, पंजाब कि पार्टी आनी है, सरकार कि आनी है, उसने थोड़ा फैसला करना है। और जोड़े लोग अज पैसे दे के वोटा खरीदते हैं या नशा दे के वोटा खरीदते हैं, वो लोग एक या चार दिन तक खुशी दे सकते हैं, पर 5 साल फिर तुम लभना नहीं। उन्होंने अपने पैसे बना के पैसे पूरे करने, इलाके का विकास नहीं करना। और मैं समझना कि जेडे वोटर अज ये लोग जो खरीदते सी अज वो काम नहीं होना, क्योंकि हर वोटर सियाना हो चुका है, अवेयरनेस है, हर किसी को नैट चलता है, सब को एड्स आदि देखते हैं। और मैं समझना कि अज का वोटर बहुत सियाना है, अज का वोटर पैसे तो ले लेगा कोई देगा तो, पर वोट वो उत पाएगा जिते उन्हें पता कि कौन सही इंसान है, कौन ठीक काम इलाके वास्ते करेगा। इस करके मैं लोगों को अपील करना है कि यहोजे लोगों के चंगुल विच ना फसो, तुसी अपनी वोट खराब करके अपने इलाके का विकास और अपने परिवार का विकास खराब ना जे करो। और यहोजे लोगों को उल्टा तुसी घर आए जो पैसे देने आएंगे या नशे देने आएंगे, इन्हें अपने मोहल्लों चो घर चो भजाओ, चौकीदारी करो। मैं तो इन्हें अपील करना या आने वाली जो इलेक्शन 4 तारीख में वो तुम अपनी अपनी वोट की चौकीदारी कर दौ। मैं तुम्हें वादा करना कि आने वाले 5 साल मैं हमारे हल्के की अगे भी बतौर MLA नहीं बतौर चौकीदारी सेवा की है, हूँ भी मैं बतौर चौकीदार सेवा करके आप जी की इलाके की सेवा करता रहूँगा और आप जी इलाके की मैं चौकीदारी करूँगा। इन्हें शब्दों ने सारे बहुत बहुत धन्यवाद और अपील करना कि 4 फरवरी 2017 तुम्हें वध चढ़ के कमल के फुल का चोन निशान है, वोटा पा के तकड़ी का चोन निशान जिते हैगा उन्होंने वोटा पा के अकाली भाजपा सांझी उम्मीदवार जो खड़े है उन्होंने कामयाब करके दोबारा 30 सरकार लेके आओ।